नमस्कार, अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग हमारी प्राइस डिटर्मिनेशन। लेकिन अभी जो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड विद प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर सिंपल प्राइवेट मोनोपोली। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरह से प्राइस डिटर्मिन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, अभी हम लोग देखते हैं मोनोपोली में किस तरह से होती है प्राइस फिक्स। जैसे हम लोगों को मालूम है मोनोपोली में क्या होता है, जैसे उनके ऊपर जो है यानी एंट्री, फ्री एंट्री नहीं है वहाँ पे। कोई गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, थ्रू लॉ हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हो सकता है, ये हमने बहुत सारे बैरियर्स देखे थे टू एंटर इनटू अ मोनोपोली मार्केट। तो इसलिए मोनोपोली फर्म जो है फील्स कम्प्लीटली सिक्योर फ्रॉम पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स, फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और फियर ऑफ पब्लिक एंगर, यानी ये सभी से वो क्या है, दे आर टोटली सिक्योर्ड। किन किन से है? कॉम्पिटिटर्स से है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से है और पब्लिक एंगर से भी जो फ्री है। तो ऐसे जो मोनोपोलिस्ट है वो हम अपनी खुद की जो पॉलिसी है रिलेटेड विथ प्राइस डिटर्मिनेशन वो क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो क्या सही में वो सेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते है? वो भी हम लोग देखेंगे अंडर प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। ये क्या है? इट विल अकॉर्डिंगली सेट अ प्राइस विच विल मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स। लेकिन वो तो ऐसी तो प्राइस जरूर रख सकते हैं कि जिसके वजह से उन्हें मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होगा, जो कि हम लोगों ने देखा है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन ये बेनिफिट परफेक्ट कॉम्पिटिटर्स को नहीं मिलता है। लेकिन जो बेनिफिट मिल सकता है मोनोपोलिस्ट को यानी मोनोपोली मार्केट में, ठीक है। चलो, एज इन ऑल प्राइसिंग एनालिसिस वी शैल एनालाइज डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन। हमने सभी इसमें देखा है प्राइस एनालाइज करनी है तो हम लोगों को डिमांड और सप्लाई कंडीशंस देखने पड़ते हैं। वैसे मोनोपोली फर्म को भी देखना पड़ता है कि ये डिमांड और सप्लाई कंडीशंस कैसे है और उसे अपना प्राइस और आउटपुट यानी अकॉर्डिंगली ही हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड एंड एट व्हाट प्राइस दे हैव टू फिक्स। यानी क्या कर रहे हैं वो कि कितना मुझे प्रोडक्शन करना है सो दैट आई कैन गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो है तो डिमांड कर फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोली फर्म विच इज़ द ओनली फर्म कंस्टिट्यूटिंग द इंडस्ट्री इज द सेम एज द डिमांड कर ऑफ द इंडस्ट्री। देखिए मोनोपोली फर्म में एक ही फर्म है और वही इंडस्ट्री भी होती है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा ही हुआ था जब हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली देखी थी। लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या है, अलग अलग फॉर्म्स वहाँ पे है और वो टोटल फॉर्म्स को मिलके इंडस्ट्री की डिमांड कर जो है वो बनती है या इंडस्ट्री की सप्लाई कर जो है वो बनती है। लेकिन मोनोपोली फर्म में क्या होता है कि मोनोपोली फर्म जो अपना ये बनाएगी यानी जितना आउटपुट वो देने वाली है या उसी के फॉर्म से सप्लाई कर और डिमांड कर जो है बनेगा और निगेटिवली इंक्लाइन इंडस्ट्री डिमांड कर। लेकिन ये कैसा होगा डिमांड कर, फिर से वो नीचे की ओर ही आने वाला है। दैट विल शो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी। ये देखिए, फाइल अ सेलर अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव कंडीशंस। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव कंडीशंस का जो सेलर है बिलीव्स दैट ही कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्रिवेलिंग प्राइस। उसे मालूम है कि जो प्रिवेलिंग प्राइस है वो उसके अकेले के वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होने वाली है और ही कैन नॉट चेंज इट। उसे मालूम है ना तो वो चेंज कर सकता है या तो उसका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है मार्केट के प्राइस के ऊपर। एंड दैट ही कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द प्रिवेलिंग प्राइस। और उसे ये मालूम है कि वो प्रिवेलिंग प्राइस पे ही कितनी भी क्वांटिटी जो है वो सेल कर सकता है। लेकिन मोनोपोली फर्म के लिए क्या है, मोनोपोली फर्म फाइंड दैट इट कैन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एंटायर सप्लाई। मोनोपोली फर्म को मालूम है उनका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है एंटायर सप्लाई के ऊपर एंड दैट इट कैन सेल डिफरेंट क्वांटिटीज एट डिफरेंट प्राइसेस। इसी वजह से वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो है वो डिफरेंट प्राइसेस पे सेल कर सकती है, जो कि हम लोगों ने देखा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पॉसिबल नहीं है। इन अदर वर्ड्स, द मोनोपोली फर्म कैन एस्टिमेट द डिमांड कर फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। वो एस्टिमेट करती है डिमांड कर को कि उसका प्रोडक्ट जो है
यानी प्रोडक्ट की डिमांड कैसे होगी. दिस डिमांड कर्व विल शो दैट इट कैन सेल मोर ओनली बाय कटिंग डाउन इट्स प्राइसेस. किस तरह से ओनली बाय चाहिए यहाँ पे फाइव हुआ है कटिंग डाउन इट्स प्राइसेस. ठीक है, अगर उन्हें अपनी प्रोडक्ट के लिए डिमांड बढ़ानी है या सेल इंक्रीज करना है तो उन्हें क्या करना होगा, अपनी जो प्राइसेस है उसको कम करनी होगी. करस्पॉन्डिंग टू दिस कर द मोनोपोली फर्म विल हैव अ मार्जिनल रेवेन्यू कर. इसके साथ ही ये कर जो रहेगा डिमांड कर, उसके साथ करस्पॉन्डिंग ही उसका क्या रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू कर. लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कर और एवरेज कर का क्या कॉम्बिनेशन होगा, जब हम लोग ग्राफ शो करेंगे तब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके देती हूँ. ये गिवन फिगर, इन गिवन फिगर द डिमांड कर ऑफ द मोनोपोली फर्म इज स्लोपिंग डाउनवर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग मार्जिनल रेवेन्यू इज स्लोपिंग डाउनवर्ड एट अ ग्रेटर रेट. देखिए एक मिनट, मैं आपको वो पहले ये दिखा देती हूँ कि हमारा वो डिमांड कर जो है, ये देखिए ये है डिमांड कर, ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है. ओ एक्स एक्सिस पे आउटपुट शो किया है, ओ वाई एक्सिस पे हमने प्राइस शो की है. ये देखिए ये वाला जो इसमें जो ब्लैक इसमें जरा हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज़ डिमांड और एवरेज रेवेन्यू कर है. और ये जो है डॉटेड इससे जो प्लॉट किया हुआ है, दैट इज़ एमआर, दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू. यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि डिमांड कर या एवरेज रेवेन्यू इस ये जो है वो हरदम ऊपर दिख रहा है हमें मार्जिनल रेवेन्यू से. अब ये क्यों ऐसा दिख रहा है, चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं. इन अ गिवन फिगर द डिमांड कर ऑफ द मोनोपोली फर्म इज स्लोपिंग डाउनवर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग मार्जिनल रेवेन्यू इज स्लोपिंग डाउनवर्ड एट अ ग्रेटर रेट. देखा ना हम लोगों ने कि ग्रेटर रेट से वो क्या हो रहा है, स्लोपिंग डाउनवर्ड. एज वी हैव टेकन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर द मार्जिनल रेवेन्यू कर विल ऑल्सो बी अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन डिमांड कर दिखाया है, इसलिए हमने मार्जिनल रेवेन्यू का भी कर जो है वो स्ट्रेट लाइन ही दिखाया है. एंड इट्स स्लोप विल बी डबल दैट ऑफ द डिमांड कर, यानी उसका जो स्लोप है वो कैसा शो हो रहा है, डबल. यानी उसका जो डिफरेंस होगा, समझ लीजिए कि प्राइस एक से ये हुई है तो आपका दो से बड़ी है तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एक उससे भी ज़्यादा इससे कम हुआ है. ठीक है, डिमांड एक से बड़ी तो मार्जिनल रेवेन्यू दो से कम हुआ है. इस तरह से वो क्या शो कर रहा है, डबल दैट ऑफ द डिमांड कर. The most striking difference between competitive firm and monopoly firm is in the shapes of average and marginal revenue curves. यहाँ पे मार्जिनल हम लोगों ने यहाँ कॉम्पिटिटिव फॉर्म में भी देखा था कि एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू कर कैसा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें बिग डिफरेंस दिख रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू कर का स्लोप ग्रेटर है दैन एवरेज रेवेन्यू कर. अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द इंडस्ट्रीज डिमांड कर, इंडस्ट्री का डिमांड कर जो है वो स्लोप डाउनवर्ड है, लेकिन बट द फर्म्स डिमांड कर, फॉर्म लिखा है फर्म से, इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. लेकिन वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है डिमांड कर, बराबर है. नेसेसरीली देयर फॉर ए आर एंड एम आर, दैट मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू विल बी द सेम, बट द मोनोपोली फर्म, इसको थोड़े एडिट कर देती हूँ मैं, एम आर जो है हमारा वो कैपिटल में, दैट मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू हमको शो करना है एम आर. ठीक है, हाँ, तो एम आर विल बी सेम बट फॉर द मोनोपोली, ये जो हमने देखा हुआ है विच रिप्रेजेंट्स इंडस्ट्रीज एज वेल एज द डिमांड कर और द इंडस्ट्री स्लोप्स डाउनवर्ड एंड द मार्जिनल रेवेन्यू कर डिक्लाइंस एट अ ग्रेटर रेट दैन द एवरेज रेवेन्यू कर. इसलिए हम लोग यहाँ पे मोनोपोली में देख रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू कर जो है उसका वो कैसा है, कर्व्स डिक्लाइन एट अ ग्रेटर रेट दैन द एवरेज रेवेन्यू कर. चलो थोड़ा ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके दिया है. द कॉस्ट कर्व्स ऑफ मोनोपोली फर्म डू नॉट डिफर मटेरियली फ्रॉम दोज ऑफ ए कॉम्पिटिटिव फर्म. यानी जो फर्म्स है मोनोपोली फर्म, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो ओनली डिफरेंस क्या है, द कॉम्पिटिटिव फर्म विल बी एबल टू परचेस एनी क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एट कॉन्स्टेंट प्राइस.
देखिए, जब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं और अगर परफेक्ट कंपटीटर का जो फॉर्म है वो अगर ज़्यादा प्रोडक्ट परचेस करना चाहती है तो उसे वही प्राइस पे वो मिलने वाले हैं, लेकिन मोनोपोली फर्म अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परचेस करना चाहती है तो उन्हें इंक्रीजिंगली हायर प्राइसेस पे करने पड़ते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि उसका एवरेज रेवेन्यू कर्व है जो है उससे बहुत ज़्यादा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड है। As a result, the marginal cost curve under monopoly will have an additional reason for rising at higher rate. इसलिए वो क्या दिख रहा है, यानी जो marginal cost curve जो है additional reason for rising at higher rate with increasing the output, but for this difference, the monopoly firm like a competitive firm, यहाँ पे एक मिनट फिर से या थोड़ा से ध्यान दीजिए, मोनोपोली फर्म है नॉट फॉर्म, कॉम्पिटिटिव फर्म है नॉट फॉर्म है। फर्म लाइक अ कॉम्पिटिटिव फर्म विल हैव बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट इन द शॉर्ट पीरियड, बट वेरिएबल कॉस्ट अलोन, ये क्या है, अलोन है, इट्स नॉट अ लोन नहीं है, इट्स अलोन इन द लॉन्ग पीरियड, यानी हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये लॉन्ग पीरियड में जो रहेगा वो जो है वेरिएबल कॉस्ट ही रहेगी उसके साथ, ये लॉन्ग पीरियड प्राइस में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रहती है, दूसरी कॉस्ट यहाँ पे हमें नहीं दिखती है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, ये देखिए इसका कर्व देखिए कैसा दिख रहा है हम लोगों को। जैसा हम लोगों को मालूम है कि ये एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो रहती है एट द बिगिनिंग सेम रहती है, थोड़ा और ऊपर लेके गए हम लोग इसे तो देखेंगे एक ही पॉइंट से हमें ये मिल रही है। जैसे कि आपको पता है ये एक जहाँ पे इंटरसेक्ट किया जाता है, सबसे पहले एवरेज कॉस्ट जो है यहाँ पे देखिए आप पूरा आपको ये डिश शेप में शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर दिख रहा है, जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर है जो है बहुत ही नीचे से हमें दिख रहा है, एवरेज कॉस्ट कर्व से बहुत ही नीचे से मार्जिनल कॉस्ट कर्व जा रहा है, और फिर जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है तब हमें दिखता है कि उसकी जो प्राइस है वो और यानी ये अभी उसके अपर जा रहा है, यानी बिलो एवरेज कॉस्ट कर आ रहा है और उसके ऊपर हमें क्या दिख रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये देखिए आप और देख सकते हैं जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है इसका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, ये दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है मार्जिनल रेवेन्यू का कर और मार्जिनल कॉस्ट का कर, ठीक है, ये एन पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे प्राइस जो है क्यू पी प्राइस जो है वो फिक्स होती है, और ये जो हम लोगों ने शेडेड पोर्शन दिखाया हुआ है आर एस टी पी जो हमारा पोर्शन है दैट शोज दैट दिस इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द मोनोपोली फर्म, ठीक है। चलो हम लोग इसको और एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी ओ एक्स एक्सिस पे ओ वाई एक्सिस पे हम लोगों ने प्राइस एंड कॉस्ट को शो किया है। चलो इन अ गिवन फिगर द शॉर्ट पीरियड प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन फॉर द सिंपल प्राइवेट मोनोपोली नॉट रिटेन बाय एंट्रीज ऑफ राइवल्स, पहले एक्सप्लेन किया है। इक्विलिब्रियम इज अटेंड एट द पॉइंट वेयर द मार्जिनल कॉस्ट कर कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू, इक्विलिब्रियम पॉइंट मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये है इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू जो कर है उसके साथ क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट है उसका छेदन हुआ है और यहाँ पे ही हमने वो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो कैलकुलेट की है। थियोरेटिकली द मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस एट ए, यानी वो कितना दे सकते हैं, देखिए फिर से हम लोग यहाँ पे देखते हैं ए, हाँ ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस वो है मोनोपोलिस अपने हिसाब से जो अपनी प्राइस जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, बट एट दिस प्राइस ही कैन नॉट सेल एनीथिंग, सेल हो रहा है क्या उसका कुछ भी, देखिए
नहीं, 0 पे आ जाएगा, बराबर है। अगर वो इतनी प्राइस बढ़ाएगा तो 0 पे आ जाएगा। ही कैन नॉट सेल एनी थिंग, ही कैन फिक्स द प्राइस एट विच एवरेज कॉस्ट इज द लोवेस्ट और द प्राइस विच मे गिव हिम अ हायर पर यूनिट प्रॉफिट, बट ही मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल दिस प्राइसेस फॉर ही इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग हिज मोनोपोली प्रॉफिट और नेट रेवेन्यू। इसलिए उसने प्राइस कौन सी फिक्स की है, ये फिक्स की है, यानी उसका आउटपुट भी यहाँ पे कैसा होगा, मैक्सिमम आउटपुट सेल होगा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा। ही विल देयरफॉर चूज दैट पर्टिकुलर आउटपुट एट विच इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स एंड मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट पॉसिबल एट वन विथ द ओ क्यू आउटपुट एंड ओ पी प्राइस इज सेम द मैक्सिमम मोनोपोली प्रॉफिट आर एस पी पी। मैंने आपको वो शेडेड पोर्शन शो किया था। एनी प्राइस एंड आउटपुट अदर दैन दीज विल टेंड टू रिड्यूस हिज टोटल नेट रेवेन्यू एंड हेंस ही विल स्टिक टू क्यू पी प्राइस एंड ओ क्यू आउटपुट। अगर वो इससे अगर फर्क करना चाहता है तो उसका जो नेट रेवेन्यू होगा वो कैसे होगा, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू जो है उसका, अब जितने प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस करोगे उतना ही क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। इसलिए वो देखेगा कि मैक्सिमम आउटपुट जहाँ पे वो सेल कर सकता है। इसलिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने कैलकुलेट किया। इसे कोई भी पॉइंट पे आप चले जाइए, आपको ये दिखेगा कि उसको जो मिलने वाले नेट रिसेट्स है, नेट रेवेन्यू है, वो क्या हो जाएगा, कम ही मिलेगा अदर देन दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन देखिए, हम लोगों को ये भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि ये हम लोग स्ट्रिक्टली नहीं कह सकते हैं दैट द मोनोपोली शुड गेट एक्सेस प्रॉफिट इन द शॉर्ट पीरियड। ज़रूरी नहीं है कि वो शॉर्ट पीरियड में एक्सेस प्रॉफिट ही ले। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उसे अपनी जो प्राइस है लोअर देन एवरेज कॉस्ट भी रखनी पड़े, क्योंकि इट विल प्रोड्यूस एज लॉन्ग एज इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज कवर्ड। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब तक के कवर्ड होती है तब तक के ही वो क्या करता रहेगा, प्रोडक्शन करता रहेगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्पिटिटिव फर्म एंड अ मोनोपोली फर्म ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड इज दैट देर इज ग्रेटर टेंडेंसी फॉर द मोनोपोलिस्ट टू गेट हायर प्राइसेस एंड सिक्योर एक्सेस प्रॉफिट्स, जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं है शॉर्ट पीरियड में मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ मोनोपोलिस्ट के लिए बहुत पॉसिबल है, यानी उनके लिए हायर है पॉसिबिलिटीज़ टू गेट हायर प्राइसेस एंड सिक्योर एक्सेस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमने प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली भी देख लिया है। हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके।